तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे रिटर्न हो गया है रिटर्न अप्रूव हो गया है इस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो फ्लिपकार्ट चलिए वीडियो के स्टार्ट स्वागत है आप लोग का आज के एक और फ्रेश वीडियो, वीडियो में आज की इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से फ्लिपकार्ड पे कोई भी प्रोडक्ट हम मंगाते हैं अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या फिर क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है या फिर टूटा फूटा सामान आ जाता है तो हम उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में यही बताएंगे अगर आपका कोई भी क्वालिटी का सामान आया है फिट नहीं आ रहा है या फिर कपड़ा वगैरह कुछ भी हो उसको आप रिटर्न ईजिली कर सकते हो वापस उसको कर सकते हो किस तरीके से वापस करना है ईजिली अपने होम पेज प्रोफाइल पर आ जाइए जैसे प्रोफाइल पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद अपना अकाउंट ऑर्डर पर आइए गाइस ऑर्डर पे आने के बाद आपका यहाँ पे ऑर्डर शो करता है आप किस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके आ जाइए फॉर एग्जाम्पल ये डिलीवर हुआ है कल से परसों तक में ये डिलीवर हुआ था मैं इसको ही रिटर्न करने वाला हूं इसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा मेरे को ओके okay, जैसे हम इस प्रोडक्ट पे आते हैं गैस ये देखो डिलीवर बता रहा है बाईस तारीख को ये डिलीवर हुआ है दोस्तों इसमें रिटर्न करने का आठ दिन है मैं आठ दिन के अंदर में इसको रिटर्न करूंगा तो रिटर्न होगा अगर आठ दिन के बाद मैं रिटर्न करना चाहूँ डिलीवरी के बाद तो नहीं हो पाएगा ठीक है ये रिटर्न का ऑप्शन नहीं शो करेगा वैसे मेरे में शो कर रहा है अभी आठ दिन नहीं हुआ है इसीलिए अभी दो तीन दिन हुआ है इजिली हम रिटर्न पर क्लिक करेंगे रिटर्न करने के लिए देन जैसे आप नहीं नहीं पे आओगे आपका कौन सा रीजन है क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर साइज फिट नहीं आ रहा है या फिर प्रोडक्ट मिसिंग है या फिर टूटा हुआ है या फिर जो भी रीजन हो आप वो रीजन सेलेक्ट कीजिए ओरिजिनल रीजन सेलेक्ट कीजिए कोई गलत मत कीजिएगा इससे आपका रिटर्न नहीं होगा तो मैं यहां पर गए मेरा क्वालिटी सामान का अच्छा नहीं है क्वालिटी पूरा गंदा है इसलिए मैं इसीलिए रिटर्न करने वाला हूं तो ईजीली मैं क्वालिटी वाला क्लिक करता हूं ये जो देखो सेकंड वाला ऑप्शन क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट आक्स योर अनएक्सपेक्टेड इजिली इस पर हम क्लिक करते हैं एंड आपको इस पर टिक मार्क लगा देना है आपको कॉमेंट करना है बताइए कि क्या आपको गलत लगा प्रोडक्ट में वो आप लिख लीजिए मतलब आप दो लाइन में कुछ भी लिख सकते हो नॉट गुड अच्छा नहीं लगा या फिर प्रोडक्ट बेकार है इस टाइप से आप लिख लीजिएगा तो मैं यहाँ पे नॉट गुड लिख लेता हूँ ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा ज़्यादा करने लूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा ठीक है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ जैसे आप लिख लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा रिटर्न का और रिफंड का ठीक है रिप्लेसमेंट और रिफंड मतलब रिफंड का मतलब होता है कि पैसा वापस लेना और रिप्लेसमेंट uh, मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट दूसरा दिया जाएगा अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं तो यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि गैज मैंने फोन पे से पेमेंट किया था नीचे में आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड में आपको पैसे वापस आएंगे कैश ऑन डिलीवरी लिए हैं तो आपको अकाउंट का डिटेल दे देना है उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे अगर आप फोन पे या फिर पे ऑन डिलीवरी किए हैं तो आपको उसी खाते में पैसे आ जाएंगे वापस ठीक है तो आप देख लेना अगर आपका कुछ भी सवाल हो कुछ भी करने में दिक्कत होता है तो हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं इजिली आपको यहाँ पर रिफंड पर क्लिक करना है देन अपना ओरिजिनल आई पेमेंट आई डाल दी दीजिएगा उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है बस यही दो काम करना है ठीक है मैं बार बार बता रहा हूँ अगर आपको कुछ भी करने में दिक्कत होता है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है एंड द एंड यहाँ पे हम सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नीचे में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिला था वो पैकेज होके फिर से डिलीवरी बॉय वही आएंगे आपसे लेने के लिए और आपको वो दे देना है देखो अप्रूव हो गया मेरा रिफंड रिक्वेस्ट उसके बाद सामान ले जाएगा उसके बाद मेरे को पैसे खाते में आएंगे सामान में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा जो आपका सामान गलत आया तो गलत ही दीजिएगा और आप यहाँ पर जो आया वैसे कर दीजिएगा आपका सामान और आपका पैसा खाते में आ जाएंगे ठीक है थैंक यू सो